अपराधी आते हैं और हॉस्टल में गोली चला के चले जाते हैं और आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। दुनिया चली, उनको आप गिरफ्तार कर लेते हैं, उनको आप जेल भेज देते हैं, और जिन्होंने गोली चलाई, और अनुसूचित जाति को तो जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने तब से टारगेट किया ही जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन, मैं हूं आपके साथ कमलेश। आप देख सकते हैं किस तरह से जो चिराग पासवान भी जो है अब छात्रों से मिलने आ रहे हैं, जो छात्र घायल हुए थे उनसे भी मुलाकात की, और उसके बाद जो है अब छात्रावास पहुंचे हैं, यहां छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है उनके परिजन भी आए हुए, जिन छात्र के ऊपर FIR दर्ज हुआ है उसके बाद उन्हें जो है अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। परिजन से भी बातचीत कर रहे हैं, देख सकते हैं किस तरह से, और उनका पता नहीं चल रहा है कि किस थाने में भेजा गया। पहले हम चिराग पासवान से ही जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से ये घटना घटी इसको लेकर क्या कहेंगे। छात्रावास पे गोली चली थी, वहाँ जो है अभी पहुँचे हैं चिराग पासवान, छात्रों से जानकारी ली और अन्य छात्र से भी जिनको गोली लगी थी वहाँ भी उन्होंने मुलाकात की, अभी पहुँचे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे जिस तरह से ये घटना घटी है। भाई, इससे ज़्यादा अफसोस वाली बात और क्या हो सकती है कि जो बच्चे यहाँ पर पठन पाठन के लिए आते हैं, अपने बेहतर भविष्य के लिए आते हैं, उन बच्चों के भविष्य को इस तरीके से आप अंधकार में डाल रहे हैं। अपराधी आते हैं और हॉस्टल में गोली चला के चले जाते हैं और आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। बच्चों के अभिभावक यहाँ पे मौजूद हैं, ये लोग दूर दराज से उनको पढ़ने के लिए हॉस्टल इसीलिए ना भेजते हैं कि जाके बेहतर भविष्य बनाएगा, इनका भविष्य संभालेगा, इनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और यहाँ पर अपराधी आते हैं और रात बेरात उनके ऊपर गोली चला के चले जाते हैं। और चिंता की बात ये कि जिन पे गोलियाँ चली उनको आप गिरफ्तार कर लेते हैं, उनको आप जेल भेज देते हैं, और जिन्होंने गोली चलाई उनके खिलाफ आप FIR तक दर्ज नहीं करते। क्यों भैया, प्रशासन का ये दोहरा मानचित्र क्यों है? प्रशासन की मौजूदगी में पुलिस कर्मी उस दिन मौजूद थे, CCTV फुटेजेस देखिए, उनकी मौजूदगी में यहाँ पे गोलियाँ चलाई गई। जिन्होंने गोलियाँ खाई उनको आपने जेल भेज दिया, और जिन पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में जिन्होंने गोलियाँ चलाई वो आज खुलेआम घूम रहे हैं, और जब हमारे बच्चे जा रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने तो आप FIR तक दर्ज करना ज़रूरी नहीं समझते। वैसे तो DGP साहब बड़ा बोलते हैं कि भैया आप फैक्स कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, आपकी FIR दर्ज हो जाएगी, और आज हम लोग दो दिन से हम लोग लगे हुए हैं, आप FIR तक दर्ज करना ज़रूरी नहीं समझ रहे और उल्टा मुकदमा कर रहे हैं उन बच्चों पर जिन्होंने गोलियाँ खाई। भाई, कल मैं PMCH गया था, अभी उनके ज़ख्म तक नहीं भरे, अभी उनके घाव तक नहीं भरे हैं, और आप इस तरीके से आप उनको जेल भेजने का काम कर रहे हैं। तो भाई, उनको अगर आपने जेल भेजा तो कम से कम जिन्होंने बंदूक लहराने का काम किया उन पे FIR दर्ज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सिंपल सी बात है ये कि जो लोग गोली चला रहे हैं उन पे FIR दर्ज नहीं। भाई, ये कौन सा देश है और ये कैसा कानून है कि जो विक्टिम है उस पर आप कार्रवाई कर देते हैं बट जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं? तो ये तो साफ दर्शा रहा है भैया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी टारगेट करने का काम कर रहे हैं, उनका प्रशासन दलित सुरक्षित नहीं है इस राज्य में। भाई, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। कैसे सुरक्षित है बताइए ना। छात्रावास में अभी मैं मौजूद हूँ, इस छात्रावास में जो लोग बाहर से आए वो लोग सुरक्षित हैं, और छात्रावास में रहने वाले बच्चे सुरक्षित नहीं है। तो ये अपने में दर्शाता है कि आप टारगेट कर रहे हैं, और अनुसूचित जाति को तो जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने तब से टारगेट किया ही जा रहा है। नवादा में बच्ची के साथ मारपीट हो जाती है, आधी रात में पुलिसकर्मी घुस के उसको पीटते हैं, पुलिस के ही लोग, और उसकी FIR दर्ज नहीं होती जब तक DGP से जाके हमारी पार्टी के लोग मुलाकात नहीं करते। यहाँ वैशाली में एक छोटी सी बच्ची, शिक्षक की बेटी, उसके साथ दुष्कर्म कर दिया जाता है। तो आपने सुना, साफ तौर पर इनका कहना है कि जो है कोई भी जो है अब सुरक्षित नहीं है। पहले से ही नीतीश कुमार जो है दलितों का जो है अपमान करते रहे हैं, चाहे हमारे पिता हो चाहे हम हो, हमारी पार्टी को भी तोड़ा गया, और अब जो है दलित पूरी तरह से असुरक्षित हो गई है, जनता जो है अब सुरक्षित नहीं है इनके राज में। तो अभी तक के लिए इतना ही। लगातार खबर बनाए रहने के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।